मैं काशिफ मलिक और आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस चीज के बारे में, जाहिर सी बात है कई बार क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से, हाई कॉन्फिडेंस होने की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम बहुत सारी जगह मात खा जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आखिर कॉन्फिडेंस होता क्या है और इससे हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जैसे एक क्लास के अंदर एक किसी भी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और जिस बच्चे ने पहला हाथ उठाया वो उसका कॉन्फिडेंस है। अगर वो बच्चा खड़ा होकर स्टेज पर यहाँ पर आता है और आने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर देता है वो उसका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस उस चीज का नाम है जब आपके अंतरात्मा, जो आपका आत्मविश्वास होता है, वो खुद बोले कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, हारे हुए आदमी को भी ऊपर की तरफ उठा देता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि ना तो एक गिरते हुए इंसान को उठाती है, बल्कि अगर कोई ऐसी उसके साथ आपत्तिजनक कोई भी बात हो गई और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है तो वो उस तरीके से उसको आगे की तरफ बढ़ा सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को बनाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको क्या है एक तरह से गिल्टी फील ना हो और कोई भी अगर आपका दोस्त टीचर या फिर आपके जो है जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यहाँ पर कहीं पर बोलना चाहते हैं, वहाँ पर आप नहीं बोल पाते हैं, तो वहाँ पर आपने जो है आपको कॉन्फिडेंस जगाना है। और यहाँ पर एक लास्ट में एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्या होता है कि अगर हम कहीं पर कुछ भी बोलते हैं तो बेइज्जती होती है। जी हाँ दोस्तों, बेइज्जती होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यार बेइज्जती होती है तो क्या हुआ, बेइज्जती होती है तो क्या हुआ, बेइज्जती से तो इंसान सीखता है। अगर आप बेइज्जती कराएंगे, मैं आपको बताता हूँ, बेइज्जती एक ऐसी चीज है जो इंसान को और भी ऊपर की तरफ बढ़ाती है। बेइज्जती से क्या होता है कि सीखता है आदमी, सीखता है। अगर कल वो आपके सामने हंसता है, आपको देख के हंसता है, कल आप उसे देख के हंसोगे कि हाँ यही वो बदना है जो मुझे देख के हंसता था, खींचना है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि बहुत स्ट्रेसफुल होती है यार, बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी इधर की उधर की बातें हमारे मानसिक संतुलन में, मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, किताबों में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ठीक है, फेल ना हो जाओ, फेल हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर में पैसे कमाने, शादी करनी, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर घूमती रहती है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उन सभी चीजों को साथ में रखते हुए अपने दिमाग के अंदर शांति बनाए रखनी है और एक तरह से अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न कर देना, एक उत्तेजित कर देना, ताकि हम उस पर कंट्रोल कर सके और अपने आप को बना सके। कॉन्फिडेंस होता क्या है, कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास भी कुछ कोई ऐसी स्टोरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर सकूं और वो चीजें आप भी मुझे बता सके अपनी कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो दोस्तों आपने क्या करना है, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे की तरफ बटन है रेड वाला, उसको दबा देना है आपको, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले। और बेल आइकन को साइड में वहीं पे है उसको दबा देना, बिल्कुल फ्री है यार, दबा दो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। चलिए बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।